सगला भाई राम राम माऊ थारो देसी पत्रकार रवि जलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। आज नवलगढ़ तहसील की एक ग्राम पंचायत है आपने बड़वासी बठाऊ एक गांव है जयसिंहपुरा बठियापा पहुंचे हैं। बहुत ही खतरनाक एक घटना है जो कुछ की एक वारदात हुई है। हालांकि देखा कि नुकसान है जो ज़्यादा को नहीं, लेकिन जो तरीको है नुकसान को बहुत ही खतरनाक और बहुत ही बड़ो है। तो जो घटना की बात करें तो एक कोई चोरी की वारदात है, कोई छोटी दुकान है बिपर की, पशुओं की दवाई वगैरह रखे हैं बैठे की जो वारदात है। तो बातचीत कर सें, पूछ सें कि जो दुकान पर कौन रहे हैं और की तरीकों की वारदात जो हुई, वह अपने साथ अभी जुड़ रहे हैं। तो ये जो वीडियो है एक तो जो चेतावनी के लिए कि भाई जो अपना जता भी दुकानदार हैं या फिर जो भी अपना दर्शक जो वीडियो देखे हैं कि इस तरीका मतलब लोगों थोड़ा सा सावधान रहें, क्योंकि ऐं का गिरोह ही जो पनप रहे हैं जो ऐं की वारदात अंजाम दी हैं। तो दुकानदार है और कुछ ग्रामीण ही जो अपने साथ अभी जुड़ गए हैं। अपना कन जो बार बार ये चीज़ की रिक्वेस्ट आई तो पूछा और पतो करो, हालांकि FIR वगैरह भी ये दर्ज करवाई है। तो पहले तो मामलों के है व पूरी चीज़ और पूरी बात अपन जान सें कि की तरीके की घटना बा के साथ घटित हुई। के नाम भाई? मेरा नाम शुभम नेहरा। शुभम नेहरा, जो क्या की अपने दुकान क्या की है अभी? वेटनरी फीड सप्लीमेंट की दुकान है अपनी। अच्छा, कितने दिनों कर रखी है? 26 तारीख को ओपनिंग की थी। 26 तारीख की ओपनिंग? हाँ, लगभग 10 दिन हो गए। लगभग 10 ही दिन हुए? हाँ। तो अब क्या घटना हुई अभी? लगभग 10:30 की बात थी सुबह। हाँ, सुबह 10:30 की बात थी। लोग तीन लोग बाइक पर आया, दो तो भी बाइक पर ही बैठे रहे, रोड पर ही रहा। एक उतर की मेरे नजदीक आयो, आकी बोले बोले बैठ गया गाँव की करीम दे। तो मैं भी गांव की करीम दी नहीं, फिर वो बोले एक और दे दे, दो करीम दे दी, फिर 2000 को नोट दियो, फिर मैं वो खुला को नहीं, तो वो बोले कि और कुछ दे दे। तो मैं मना करो कि और कुछ के दे दूँ तेरे मेरी दुकान हूँ। तो फिर मैं मेरा शक हो कि और कुछ मांग रही हो, मतलब नोट नकली हो उसके। तो मैं बैठा तक नोट दे दी होगी हाथ में। हाँ, हाथ में नोट दे दियो, लेकिन मैं भी रख दियो चेक कौन करो। फिर मेरा मन में शक हो कि नोट नकली हो उसका, तो मैं भी नोट चेक करवा के लिए मैं भी नोट ना आँखा के सामने करो या ऊपर जी साबु चेक करा करना नॉर्मल नोट आप चेक करा करा भी साबु नॉर्मल नोट चेक करो ना। फिर मेरे भी कोई अजीब सो महसूस हो, फिर मैं भी कोई स्मेल वगैरह आई भी कमाना, स्मेल वगैरह कुछ कौन मतलब अजीब सो या घुटन सी महसूस हुई भी। और फिर 2-3 सेकंड तक देखो मैं, फिर मैं तो भी कुर्सी पर बैठ कर वो नोट मेरा हाथों छुटके नीचे। अच्छा, मतलब खड़े होके चेक कर रहा है या फिर खड़े होके चेक कर रहे हो मैं? हाँ। फिर वो नोट मेरे हाथों छुटके नीचे गिर गो और मैं कुर्सी पर बैठ गो, और फिर मेरा बोलो कौन गए कुछ ही और ना खड़े होने रही हो देख रहे हो मतलब। जिस टाइम दुकान पर कौन हुआ अपना और कोई आसपास जो बात करना, जयसिंहपुरा स्टैंड की जो अपने दर्शकों में बता दूं कि लगभग 3 या 4 दुकान ही, तो कोई ज़्यादा तो बहुत बड़ो मार्केट भी कोने है। 26 तारीख की जो ये ओपनिंग बता रहे हैं और एक छोटो सो स्टैंड है जो आसपास का ग्रामीण ही रूट जो मेन रोड लग है या जो आपने टिटनवाड़ू नवलगढ़ जा है ये वजह थोड़ा सो मेन रास्ता यो है और मेन रोड या है इ पर एक जो छोटो सो स्टोर यो अभी जस्ट खोल हुई है कि ओपनिंग जो करी। तो जी टाइम आपने अठे कता कि कता के आदमी कोई दुकान पर हाके है आसपास स्टैंड पर? स्टैंड पर तो परली साइड तो खूब आदमी है, लेकिन उरली साइड में अकेलो ही हो दुकान पर, या साइड में दुकान है कि बताऊँ मैं अकेलो ही हो, कोई को नहीं हो मेरे साथ। और फिर मैं माँ बढ़िया एक आदमी माँ बढ़ की एक शीशी ला के दिखाई मेरे को, दिख रहे हो भी हो सुन रहे हो भी हो मन, फिर वो ला के दिखाई या ले लूँगे, मन बोली नहीं आई ना। और फिर वो दूसरी शीशी ला के दिखाई या ले लूँगे, फिर भी मन बोली नहीं आई ना। तो वो दोनों शीशी बे ही ना, बे तो काउंटर पर रख गो और आके गल्लाऊँ वो आपको 2000 का नोट ले लियो और गल्लाऊँ गल्लो थोड़ा सा खुल्लो बिन खुला देने के लिए कर आना। तो वो गल्लाऊँ पैसा निकाल के और चले गए। लगभग जी टाइम आपने जो गल्लम कता की रुपया? लगभग जी टाइम पर 4,500 रुपये गल्ला। 4,500 रुपये? हाँ लगभग। और पर्स हो मेरो, पर्स लेके चला गया, वो भी मैं गल्ला के माँ आके ही रख रहा क्यों, तो भी पर्स लेके चला गया। पर्स में मेरा डॉक्यूमेंट आ, एक तो मेरो लाइसेंस हो और लगभग 7,500 रुपये। तो जो रुपया मतलब कोई काम के लिए या फिर के लिए रख रहा कहते हैं? भाई दुआल हो बड़ो हो ऐ मारा बड़ो बिन देने के लिए रख रहा क्या पर्स में तो। और वह और तो वह 2 दिन की बिक्री बात पिसा की अमाउंट तो बड़ो को नहीं, लेकिन जिस तरीका ये वारदात ने जो अंजाम तक पहुँचाई गई है यु तरीको बहुत ही खतरनाक है। हर कोई है कि 2000 को नोट अगर आवा तो बिन देखने के लिए एक बार आप देखा करें भी साबू ये देखने की कोशिश करिए और देख बा कमाई नहीं ये बेहोश होगा ही ना, तो बोल सका और ना हाल चाल कर सका कुछ भी। और फिर वह जाने के बाद में जाता दिख रहे हैं कि जा रहे हैं जी के बाद में मतलब नींद मतलब अंदर अंदर थे कोशिश भी कर रहे हो गए रोकने की? हाँ, कोशिश करे लेकिन उठो ही कौन जा रहे हो ना बोलो जा रहे हो कुछ कुछ बोलो ना जा रहे हो उठो कौन जा रहे हो। फिर वह जाने के बाद में मतलब जब तक बा के ऊपर ध्यान होना जब देर तो ध्यान और फिर नींद आ गई। लगभग 15-20 मिनट बाद में नींद खुली, बाद में जब CCTV फुटेज देखा ना
नींद खुलता ही के करो तो थे नींद खुलता ही मतलब सब पहली क्या एक तो थन फील कहे को और फिर भी बाद में के रिएक्ट करो थे नींद खुलता ही मैं पहली चोट उठ्यो मेरे मन में हो कि अपनो अभी नोट लेके भाग जाई तो मैं उठ्यो और बाइक पर जाके बाकी पीछे करो थोड़ी दूर पीछे करो वापस आगो फिर मेरे याद आई कि बहुत देर होगी उसी तो आप क्या ले चला फिर वापस आगो मैं वापस आके जब देखो तो टाइम बहुत ज्यादा हो रही हो 10:55 हो रही और वो बात 10:30 बजे की बी के बाद में थे के करो बी के बाद में मेरे पापा ने फोन करो तो अन बुलाया अन बुला के जाके सीसीटीवी फुटेज चेक करया और सीसीटीवी फुटेज अपना जयसिंहपुरा स्टैंड पर चेक करे और कटे जयसिंहपुरा स्टैंड पर भी चेक करया कारी में चेक करया जयसिंहपुरा स्टैंड वाला तो तीन आज बंदा दिख रहा तो लेकिन साफ को नहीं आ रहा और कारी वाला कोई बंदा ही कौन दिख रहा जी टाइम कोई ग्रामीण आस पास का कोई नहीं थे बुलाया या कोई आयो जी टाइम तो जयसिंहपुरा वाला दुकानदार ने बुलाया ये आके मतलब कि अड़े बार बार पहले भी हो रही है घटना स्टैंड पर ही हाँ स्टैंड पर कई बार पहले भी चोरी हो चुकी तरीका मतलब तरीको दूसरो हो सका लेकिन चोरी कई बार हो चुकी स्टैंड पर चोरी कई बार होगी लेकिन ये जो तरीको लगाया गया ये सिर्फ पहली बार ही है तो ये जो यहाँ का गिरोह ही ये पनप रहे हैं जो देखा कि कठाऊ तो यहाँ का जो केमिकल लाया जाए ही कि जो चंद सेकंड में ही सिर्फ बेहोश कर दी ही तो जरूरी थोड़ी है कि मात्रा अगर कई बार ज्यादा हो जाए तो बिकमान यो भी खतरो है कि जान भी बिकमान जा सके है तो यहाँ का जो ये केमिकल ही ये कठाऊ निकल के आए हैं कठाऊ यहाँ तक जो ये गिरोह ही आज तक यहाँ का ये केमिकल पहुँचे ही तो क्यों ना प्रशासन अभी थोड़ा सा सतर्क हो के इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दे और ये जो भी गिरोह ही बगन कठाऊ ये चीज़ पहुँचे ही कैसे ये चीज़ न भाई यूज़ में ली क्योंकि भाई कोई मेडिकल साइंस तो एक मान यूज़ में लेता को नहीं होगा कि कत्तो कत्ती के मात्रा में अपन यूज़ में लेना अगर बिको जो भी कोई आ रहे है अगर बेको मकसद ही इस चीज़ को है कि मन तो बड़े चोरी या फिर कुछ नुकसान करना है तो मात्रा कई बार बहुत ज़्यादा करी जा सके इस तरीकों पतों की तरीकों लगा जाए तो फिर भी के बाद में आगे थे कि प्रोसेस करो कोई FIR वगैरह कोई ना करवाई FIR नोलगढ़ थाना में गया जिस दिन लेकिन वो जिस दिन तो बारिश हो रही भी के बजाऊ में बोला था लेट हो जाएगी रियो करके माने वापिस भेज दिया दूसरे दिन को नाम ले दिया दूसरे दिन सुबह गया हमारी FIR दर्ज कर ली एक आदमी बीट अधिकारी आयो वो चेक करके पूछ की चले गए वापस जी के बाद में कोई कार्रवाई नहीं करते कि मौका मुआ ना होगा कि हाँ नॉर्मल पूछताछ करके चला गया एक बंदो आयो नॉर्मल पूछताछ करी चले गए बात तो जो थरम करी है तो जी टाइम थे बोल रही हूँ क्योंकि नॉर्मल कोई अगर अपना दूसरी बार को भी आके बात करे तो आवाज आप पहचान जाए हाँ वो जो आके बात करी ना वो तो अजीब ही बोल रहे हो कुछ मतलब आपने लोकल की आवाज़ सुकून लग रही है अपने झुंझुनू की आवाज़ नॉर्मल पहचानता होगा थे हाँ आवाज़ नॉर्मल पहचानो लेकिन वो झुंझुनू की आवाज़ कौन बोल रहे हो तो बाइक का नंबर वगैरह अगर थे आगे खड़ी हुई जी टाइम कोई देखा हो तो वो बाइक सामने आके कौन खड़ी हुई वो रोड पर जी साबू चाल रहे हैं ना बाइक बीस आबू बड़े बीस आबू रुकी और फिर सीधी सीधी निकल गई दुकान की साइड बाइक आई कौन मतलब आवाज़ बाहर की लग रही है मतलब आपने लोकल का तो कौन नहीं है हाँ आवाज़ बाहर की जो बंदो आयो ना अमेरिकन वो बाहर को और वो ब्लैक मतलब रुमाल डाटो मार रखे हो पूरो और वो जो बीच लो बंदो वो व्हाइट रुमाल डाटो मार रखे हो और आगलो हेलमेट लगा रखे हो बाइक कौन सी ही बाइक लग नहीं अपाची आवा ना भी टाइप की लागी तो ये जो चीज जो आप देखा यह घटना है पूरी वारदात जो हुई को पूरी चीज आप जानी है हालांकि प्रशासन भी यही रिक्वेस्ट करा पुलिस प्रशासन भी कि जो एक टैगलाइन है कि आम जन में विश्वास और अपराध या जो डर या जो टैगलाइन है इस पर प्रॉपर तरीका में अगर काम करें तो यह चीज़ छोटी कुनी है एक ही चीज़ अगर आप हल्का में लेके चला तो फिर बहुत बड़ी चीज़ जो कई बार घटना हो जाए ही बाकी शुरुआत अठा हुई है कई बार वो बस जो भी लोग हैं भाई चीज़ में एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हूँ तो इकले प्रशासन को भी ये रिक्वेस्ट करा कि हो सका तो थोड़ी सी भी जाँच पड़ताल करके CCTV वगैरह आसपास का देखें हालांकि ये दुकान पर तो अठे CCTV अपन कोनी जो फुटेज ये जो देख रहे हैं तो कैमरा क्वालिटी भी अति खास कोनी जल्दी इनका गिरोह का पर्दाफाश करा जाए और पर्दाफाश करके जो अपराधी की जो घटना ही क्योंकि ये टाइम रोजगार बिल्कुल भी खत्म हो रहे हैं तो का गिरोह जो पनप रहे हैं ये एक बहुत मुसीबत है जो खड़ी हो सका आगे आने वाले टाइम पर तो अभी जो जी टाइम थाने के फोन करके पहली बोला है मन तो यही बोला कि दुकान पर आओ एक बार तो फिर थे कितनी देर में पहुंचगा मैं करीब 10 मिनट बाद में पहुंच गया 10 मिनट गांव कौन सा था मेरे गांव नैन कोल से आया लेकिन हमारे खेत है नजदीक ही अभी खेत में घास फूस ले रहा गाड़ी लेगी अच्छा मैं समझो कोई पशु देखवा जाता होगा कोई हाँ। मैं भी साहब से आयो आया किड़े बैठे हो ना बैठता ही मैंने यह बात बताई यह बात होगी जहाँ वो कहें कहो के हो जब बोलो यहाँ बाइक ही यहाँ लेंड यहाँ तीन आदमी आया कोई चेहरे बोलो पूरा नकापोश लगा रखा कुछ भी दिख रहे हो नहीं सिर्फ आँख आँख दिख रही भी के बावजूद मेरे साइड में किराना स्टोर है भी पर एक CCTV फुटेज कैमरा ही भी पर जाके चेक करी जना भी कमान के कि क्लियर को नहीं हो रहा बाइक दिख रही है लेकिन बाइक का नंबर कौन दिख रहा है वहाँ का चेहरा कौन दिख रहा अब बड़वासी का और का वगैरह का
तीन चार फुटेज ही मार्केट में मैं चेक कौन कर सकता रात नहीं मान उपलब्ध यहीं वह मैं चेक करके देख सके देखांगा कि अगर कैम दिखा है तो की मांग अभी थे जो करना चाहो क्योंकि आपने ये जो है कि घटना हो रही है तो इन आप हड़काम ने लेके देखा तो क्योंकि एक केमिकल मिलना भी एक बहुत बड़ी बात है सब बड़ी दुर्भाग्य की बात है। चलो लूट कसोट हुई कुछ भी हुआ अगर केमिकल की मात्रा भी होती तो बच्चे के साथ क्या होता। यही जो मेन चीज देखा मेन समस्या यही है क्योंकि जो वह कोई निर्धारित तो करके लायक उनके अपन कत्तो केमिकल देना है 15-20 मिनट बाद में हो सागो लेकिन सिर दर्द तो शाम तानी रही है बराबर सिर दुख तो रही है शाम तानी। अगर चलो ये तो युवा है जेल गो अगर एक जगह मौत हो मेरे से हो रहा है जो उम्र आदमी हो तो हार्ट अटैक पेशेंट हो तो वो तो सब तो खत्म हो तो ये जो देखा आप कि घटना छोटी को नहीं क्योंकि जो जी तरीका इल्जाम दिया गया है बहुत बड़ी घटना है या तो इको जल्दियों जल्दी हो सका तो यहाँ का गिरोह को पर्दाफाश करो जाए और जो आगे कोई घटना अगर इल्जाम दी तो भी पहली यहाँ पर जो रोक लगाई जाए। तो रिक्वेस्ट है जो भी अपना जता भी दर्शक हैं वीडियो देख रहे हैं कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सावधान रहो सतर्क रहो अगर कठे भी सो ई टाइम हर आदमी है मास्क लगा के घूमे तो कोई कोई भाई अपना जान पहचान करनो थोड़ो सो मुश्किल हो पा रहे है मास्क के बिना तो आज सामान भी कौन खरीदो जाए। तो एक माना है कि घटना जो अंजाम दे के जाए ही तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो सर दर्शकों मेरी तो यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सावधान रहो प्रशासन को रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी यहाँ का जो गिरोह ही वहाँ पर कार्रवाई करी जाए और कार्रवाई करके तुरंत प्रभावों की कठाओं तो यहाँ का जो केमिकल वगैरह लेके आया जा रहे हैं क्यों यहाँ की घटना जो इल्जाम दिया जा रहा है हालांकि थोड़ा बहुत रुपया निकले हैं लेकिन समस्या बहुत बड़ी है यहीं पर तो इन्हें हल्का में न लेके जल्दी से जल्दी प्रशासन है इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करे और जो आपकी टैगलाइन के अनुसार जो अपराध में खौफ है वो खौफ बिल्कुल बनाए रखे और जो आमजन में विश्वास है वो भी प्रशासन बनावे। जो भी दर्शक जुड़ रहे हैं वीडियो देखे हैं रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि जो ये गिरोह ही आऊँ लोग जो सावधान हो सकें सतर्क हो सकें। चैनल पर बना रहो अगर अभी तक चैनल ने सब्सक्राइब नहीं करो है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है यो दबाओ और एक पास में जो बेल आइकन है यो भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालो को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू जय राजस्थान जय हिंद।